बिजली कंपनी के आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी अब लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 6 जनवरी को शासन से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई थी। इस बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी शनिवार को खंडवा रोड स्थित मुख्य कार्यालय पर एकत्रित हुए। यहां नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ब्रह्म स्रोत विद्युत कर्मचारी संघ के अनिल ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी में सविलियन और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के कारण जिले में बिजली वितरण की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कंपनी में अधिकांश कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। दो मुख्य मांगे हैं, एक तो संविदा का नियमितीकरण है और आउटसोर्स का संविलियन, वेतन वृद्धि और 20 लाख का बीमा है। इसकी सूचना हमने पहले भी दी थी 6 तारीख की, जो पूर्व में हमारी हड़ताल जो स्थगित हुई थी, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। इसके 15 दिन का समय दिया था ऊर्जा सचिव ने, उसके बाद हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम आज से वापस हड़ताल हमारी चालू हो गई है, अनिश्चितकालीन है, जो कि पूरे प्रदेश में हो रही है। और हमारी मांगे कभी नहीं मांगी तो हम इसका कार्य बहिष्कार तो कर ही रहे हैं और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे आगे। जिले भर में 1500 कर्मचारी हैं, संविदा के 150 हैं और 1300 समथिंग अपने आउटसोर्स के हैं, और पूरे प्रदेश में 45,000 कर्मचारी हैं जो कि पूरे हड़ताल में शामिल हैं। सभी काम प्रभावित हो रहा है, सभी विभागों में जो ग्रिड ऑपरेटर है, सभी काम बंद है। इससे जो भी कंज्यूमर की जो लाइनें व्यवस्था है वो भी नहीं सुधरेगी। कब तक जारी रहेगी ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा जब तक हम हड़ताल पर ऐसे ही जारी रहेगी हमारी हड़ताल। अनिल प्रजापत, भाई स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।